हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बर्मन्स ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। विजिटिंग द दारागांव दीरिंग, द हिडन ब्यूटी ऑफ इंडो भूटान बॉर्डर। द पर्टिकुलर एरिया इज नाउ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, एज द वाटरफॉल्स हैज अट्रैक्टेड अ ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड स्पार्कलिंग वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द भूटान हिल्स to the Dering River through its rocky path has attracted the public to visit the site once. Daragaon Dering, a small hamlet along the Indo-Bhutan border in Baksa district of Assam, is the perfect spot for a quick picnic, a 15 km ride from its district headquarters, Masalpur. The area is surrounded by lush green hills, a gushing stream and beautiful skies with fluffy clouds to stare on. The place particular, which falls under Dihiriya Reserve Forest of Baksa, here River Dering is the main attraction of the picnic spot. Thousands of picnickers visit this area, drawn to this natural scenic beauty. हम लोग जा रहे हैं दारागांव, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है। बर्मा एक बहुत बड़ा स्पॉट है। ये बर्मा जो है बीटीसी के अंदर में आते हैं, बक्सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ से दारागांव 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग गुजरते हुए हैं टूअर्ड्स नॉर्थ, जाएंगे भूटान की तरफ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, आज हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साइट है ये विजिट करवाएंगे आप लोगों को। और पानी में भी जाएंगे, पानी के अंदर भी जाएंगे हम लोग। गर्मी का मौसम है, इसीलिए मन हो गया कि आज यहाँ आऊँ। यहाँ से नीचे गुजरते हुए राइट लेना पड़ेगा टूअर्ड्स नॉर्थ। देखिए रॉन्ग साइड से आते हैं लोग, ट्रैफिक भी फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, हमको पॉज करा दिए हैं ये ट्रैफिक वाले। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये बर्मा मॉडल हॉस्पिटल इन साइड में दिखता है वो पिकनिक स्पॉट। हम लोग अभी पहुंचे हैं, ये गेट में हम लोग रुके हैं। यहाँ ये ऑफिस है एंट्रेंस में ही। कितना टिकट का क्या चार्जेस है वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो भी गाड़ी आते हैं यहाँ थोड़ा सा उन लोगों को रुकना पड़ता है, और यहाँ आके ये जो ऑफिस है यहाँ से टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा। टिकट मान यहाँ अपना 4-व्हीलर बा 2-व्हीलर और है। अच्छा, मैंने 4-व्हीलर 200 টাকা লয়। अच्छा अच्छा, তো কিমান সময় কিবা কথা আছে নেকি, কিমান সময় থাকিব পাৰে কিবা এনে? 8:00 বজাত Finally we have arrived this particular place Daragaon. To Daragaon enter karne se pehle hi Manas Eco Tourism Development Society, ye society ke bare mein log kam hi jante honge kyunki koi bhi video mein mujhe dikhne ko nahi mila hai. To aap log agar family ke sath aate ho, dosto ke sath aate ho, to night stay agar aapko karna hai to yahan every facilities mil jayega. Aur ye society ka jo administration hai un logo se hum log baat karke iske bare mein details jaan lenge. Uske baad hum log jayenge Daragaon jo main स्पॉट है, वहाँ 2 मिनट की दूरी पर है। बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक, आप लोगों को बिल्कुल मजा आने वाला है, एकदम बहुत मजा आ जाएगा। पानी के साथ खेलेंगे हम लोग आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है दारागांव पहुँचने से पहले ही आप लोगों को यहाँ मिलेगा मानस दारागांव इको टूरिज्म सोसाइटी। तो यहाँ का एक मेंबर हमको मिले हैं। आप लोग यहाँ आओगे तो आप लोगों को रहने का भी बहुत बढ़िया सुविधा मिल जाएगा, नया नाइट स्टे आप लोग कर सकते हो। दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो नाइट स्टे हम लोग पर हेड कुछ ऐसे अमाउंट लेते हैं। डिनर होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, ऐसे होता है। और हम लोग का जो जंगल ट्रेकिंग भी होता है हम लोग का। यहाँ से हर लोगों को अच्छा सुविधा देने के लिए यहाँ पे हम यहाँ मानस दारागांव इको टूरिज्म बना के रखा हुआ है। फैमिली भी आ सकते हैं यहाँ रहने के लिए? हाँ जी, फैमिली आ सकता है। और बाइक राइडर्स भी आता है हम लोग का यहाँ पे, और थोड़ा दूर दूर का टूरिस्ट लोग आता है। जी जी जी। तो चलिए हम लोग अभी आए हैं लोगों को ये बर्मन्स ब्लॉग के थ्रू ये जो आप लोगों का पिकनिक स्पॉट है तो वो दिखाने के लिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं।
हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं जहाँ किसी ने कोई ये चीजें नहीं बताए हैं कि यहाँ रहने का भी व्यवस्था है। हम लोग का ये जो है होम स्टे के लिए अच्छा मतलब टेंट बना के दे देता हूँ। ये व्यू पॉइंट है हम लोग का। ओके बोरी अच्छा नजारा है जी। सुबह का सूरज भी इधर से निकलता है। अच्छा अच्छा सनराइज भी दिखता है। हाँ जी वेरी गुड। इधर से दिखता है और कभी कभी एलिफेंट्स भी आता है। ये जो आपका ये हाथी वगैरह आते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं क्या लोगों को? ऐसे तो हाँ कभी कभी करता है। अच्छा अच्छा। अभी तो सीजन समर सीजन है थोड़ा जी, अभी थोड़ा दिक्कत है क्योंकि एलिफेंट सब आता है। अच्छा इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। वो सामर में आ जाते हैं। सामर में आ जाते और जैसे ठंडा थोड़ा थोड़ा आने लगते हैं फिर वो छुप जाते हैं जंगल में जाके। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वैसे टाइगर वगैरह भी मिलता है दिखने को मिलता है? ये तो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट ही है। ओ अच्छा अच्छा। दारा गाँव जो पिकनिक स्पॉट है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आप लोगों का सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको संभालते हैं क्या? जो पिकनिक स्पॉट है वो दूसरा सोसाइटी चलाता है। अच्छा अच्छा वो दूसरा है। हाँ जी। ये हम लोग का एनजीओ है। हम लोग कंजर्वेशन एनजीओ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मानस दारा गाँव इको टूरिज्म सोसाइटी बोल के रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट राइट। हाँ जी 1860। हाँ जी ओके ओके। तो चलिए बर्मन्स ब्लॉक के फैमिली को हम इनवाइट करते हैं हर एक इच एंड एवरी मेंबर्स यहाँ आइए दारा गाँव का ये जो पिकनिक स्पॉट है पानी का मजा लीजिए और आप लोग फैमिली के साथ में आइए फ्रेंड के साथ आइए और यहाँ रहने का भी आप लोगों को व्यवस्था मिल जाएगा। ये मानस दारा गाँव इको टूरिज्म सोसाइटी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा सभी चीज़ें वेरी चीप रेट में आप लोगों को नेचुरल और एक होम स्टे फीलिंग आप लोगों को करवाएगा। नेचुरल और यहाँ सभी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। यहाँ जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है इन लोगों का खुद का खेत एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ से ये लोग सभी चीज़ें उगाते हैं और उसी से ला के ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इन लोगों की तरफ से मैं भी वेलकम करता हूँ बर्मन्स ब्लॉक के सभी मेम्बर्स को यहाँ आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दारा गाँव मेन स्पॉट है पिकनिक स्पॉट हम लोग पहुंचे हैं और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ओ पानी का जो फुवारा वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी सी दिस पर्टिकुलर स्पॉट द पिकनिक स्पॉट। हाँ आने के बाद आप लोगों को खाना पीना सब कुछ चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं सिर्फ आपको पे करना होगा। एक्शन दिया हुआ है कि कचरा फेंकना मना है और जगह को क्लीन रखना है। दैट इज अवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप एरियाज क्लीन एंड इको फ्रेंडली। तो भूटान बॉर्डर तक हम लोग लेके जा रहे हैं आप लोगों को। जो सुरक्षा कर्मी दल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो उन लोगों से भी थोड़ा सा बात करते हैं। अभी साइड में आप लोग देख पा रहे हो ये ड्राई है फिलहाल तो पानी नहीं है। जैसे ही पानी ऊपर बढ़ जाता है वो भूटान स्विच गेट को खोल लेता है फिर ये पानी तुरंत ही आके भर जाता है। पूरा जो बिल्कुल बॉर्डर है बॉर्डर तक आप लोगों को हम लोग लेके आए हैं। ये देखिए ये पूरा बॉर्डर है इंडो भूटान। ये मनीष कुमार जी और अनूप सिंह जी एसएसबी से हैं भारत बॉर्डर में इन लोगों ने सुरक्षा किए हैं। वो पहाड़ आप लोग देख पा रहे हो ये पहाड़ जो है उस साइड में भूटान है और यहाँ से ये साइड में इंडिया है। तो इंडो भूटान बॉर्डर में हम लोग खड़े हैं दिखाएंगे अभी आप लोगों को। मजा लीजिए पानी का। चलिए थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग पानी में उतरने से पहले एक जगह पे लेके जाते हैं आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये जगह पूरा जो है ड्रोन के बराबर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे आपको ऊपर जाके। और एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है गुफा वगैरह है तो गुफा के अंदर हम आप लोगों को लेके चलेंगे। अभी ये रास्ता है मेरे साथ बने रहिए पूरा नीचे का नजारा देखेंगे वहां से। ओह माय गॉड। चलिए आगे जाएंगे। मुझे तो बियर गिल फील हो रहा है।
उनके जैसा होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ थोड़ा सा ऊपर आते ही हम लोगों का पूरा पसीना छूट गया। ये गुफा से हम लोग होके आए हैं, गुफा काइंड ऑफ गुफा। अरे यहाँ बाइक कहाँ से आ गए, वो ये रास्ता भी है साइड में, तो यहाँ से पूरा नजरिया जो है दारा गांव का दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो स्पॉट है जो हम लोग नीचे से ऊपर आ गए हैं, ये गुफा टाइप का होके, ये एक्चुअली यहाँ किसी मतलब कम ही लोगों को, रेयर लोगों को ये पता है। और हम लोगों को पता चला, मेरे साथ जो भाई आए तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बढ़िया एक जगह है, जहाँ ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से पूरा नीचे की तरफ बढ़िया से दिखता है, तो इसीलिए हम यहाँ लेके आए हैं। अभी आप लोग कभी भी आओगे तो ये जगह पे आइए बिल्कुल। तो चलिए अभी हम ये जो गुफा नहीं है एक्चुअली, ये गुफा टाइप का ही है, दोनों साइड में बाहर हैं, तो यहाँ से हम लोग अभी निकल जाते हैं नीचे और अभी आप लोगों को पानी में लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के खाना वाना बना भी सकते हो आप लोग, खा सकते हो, अगर गर्म लगते तो थोड़ा सा थक जाते हैं तो यहाँ बैठने का भी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं हम लोग भी, ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। पानी लेकिन बहुत क्लीन है, ये नेचुरली प्योरीफाइड वाटर है, ये पानी आप लोग पी भी सकते हो डायरेक्टली। ऊपर से जो दीरिंग रिवर है, अरुणाचल और जो भूटान पहाड़ हैं रहते हुए आते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा, तो हमको आज ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करना होगा, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने के, और जल्दी ही मिलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो के साथ मुलाकात होंगे आप लोगों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, बाय बाय।